Hello and welcome to Walk the Talk. I am Shekhar Gupta and I am privileged to have on the show this week one of the greatest characters of Indian politics, one of the greatest figures and a great patriot, Sardar Prakash Singh Badal, Chief Minister of Punjab. Namaskar. Welcome to Walk the Talk. I am so grateful to you. Mujhe pata hai aap bahut masroof hain. You have a million things to do. Aur aap interview wagera dete bhi nahi hai mujhe. Mujhe badi khushi hai ki aap yahan aaye is kaam ke liye. और हमने जो शुरुआत की है वो वार मेमोरियल से किए हैं जी हाँ, जिसके लिए पंजाब को बहुत फख्र है कि देश के लिए सबसे बड़ी कुर्बानियाँ बेशक आज़ादी में की हैं या उसके बाद ये लड़ाई जो हुई है उनमें की हैं, तो पंजाब का नंबर यही हमने सोचा था बादल साहब के पंजाब की और नॉर्थ जोन के इतने स्टेट्स की इतनी कुर्बानियाँ हैं और हिंदुस्तान में तो हम वार मेमोरियल कभी बनाते नहीं हैं, तो ये हमारे लीडर्स ने कुछ पैसे इकट्ठे करके कुछ दोस्तों की मदद से बनाया, तो हमने कहा इससे अच्छी वेन्यू क्या हो सकती है ये इस शो के लिए चंडीगढ़ में, और आपके घर के बिल्कुल नज़दीक है। मैं आपका इस शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये आपका इनिशिएटिव है, आपका बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है और मैं इसका पंजाब की तरफ से आपका बड़ापन है कह रहे हैं, लेकिन मैंने कहा आप इतने बड़े देशभक्त हैं, क्योंकि देशभक्त तो सब बन जाते हैं लेकिन आप तो इस देश की जेल में 17 साल रहने के बाद देशभक्त हैं। लेकिन हमें एक अफसोस है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऐसा कानून बना दिया है कि जो फौज में भर्ती होना है तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन होगा जी, जितनी परसेंट पॉपुलेशन उससे ज़्यादा भर्ती नहीं होगी फौज में, सिर्फ यही सेंट्रल सर्विस है जिसमें रिजर्वेशन अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन है, तो बाकी स्टेट में तो नहीं होना तो चाहिए मेरिट पे, कोई किसी स्टेट से ज़्यादा आ जाए कम आ जाए, लेकिन ये भी एक हमारा सेंट्रल ग्रीवेंस है। लेकिन बादल साहब जैसे होता है ना, जैसे बाकी रिजर्वेशन में भी कई बार पोस्ट फिल नहीं होती बाकियों के पास आती हैं, अब यहाँ पे भी आप देखें कई स्टेट्स ऐसी हैं जो अपना कोटा फिल ही नहीं करती तो पंजाब के पास ही आता है, फिर पंजाब हरियाणा के पास ही। मेरा मतलब कोटा होना ही नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए, जैसे सेंट्रल सर्विस है IPS है IAS है, उसमें कोई कोटा तो स्टेट्स का नहीं है। तो ये फौज के लिए क्यों बनाया आपने, इसको स्टडी किया होगा, पूछा होगा? बस यही, उस वक्त मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो कोई लोग बना गए अपने पर्सनल, आजकल जो देश की पॉलिटिक्स है वो पर्सनल इंटरेस्ट, स्टेट अपनी स्टेट का इंटरेस्ट देख के करते हैं, नेशनल इंटरेस्ट कम देख रहे हैं लोग, तो वो यही था कि पंजाब पहले पंजाब के 50% के करीब 25% के करीब फौज में होते थे, जनरल्स भी पंजाब के होते थे, लेकिन अब बुराए नाम ही रह गए, ये भी पुराने लोग हैं अब नवे, क्योंकि ये इस तरह की रिस्ट्रिक्शन है तो इससे फौज में कम लोग। और आप चाहेंगे कि ये चेंज हो? बिल्कुल चाहेंगे जी, हमारी तो बहुत देर की ये वन ऑफ द डिमांड्स, मेजर डिमांड्स पंजाब की है, तो उनमें से एक ये भी है। बादल साहब, आप मिलिट्री ट्रेडिशन की बात करते हैं कि पंजाब में इतने लोग फौज में जाते हैं, लेकिन दिल्ली में अगर देखें तो हमेशा एक खौफ रहता है पंजाब से ज़्यादा सिख पॉलिटिक्स का, एक सेपरेटिज्म का नाम लगा हुआ है शुरू से 1947 से। देखिए कभी सिख, और हवा वही है, देखिए यह कभी सिख जो है वो सेपरेटिस्ट हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे तो मानस की जात सबे एक के पहचान, और जब हर एक सिख पाठ करता है जसवा करता है उससे सबसे एंड में ये होता है नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा पला, सरबत मीन्स होल ऑफ द वर्ल्ड नॉट इंडिया आल्सो, तो सिख कल्चर जो हमें गुरुओं ने हमें बताया है वो तो इंसान, सारी दुनिया इंसानियत के लिए भला मांगते हैं, तो ये छोटी बातों तो हम पर फोर्स की गई है उन्होंने, और ये बदनाम करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कभी सेपरेटिस्ट मूड नहीं था, कभी कभी नहीं था। देखिए पहले ही देख लो कि जब पाकिस्तान हिंदुस्तान बना तो उस वक्त भी हमें जिना से भी ऑफर थी ये कर लो, लेकिन वी एज ए ट्रू पैट्रियट हम हिंदुस्तान में रहना पसंद किया, क्योंकि पैट्रियट तो हर कोई होता है बादल साहब, लेकिन 17 साल जेल में रह के कोई पैट्रियट नहीं होता। नेल्सन मंडेला भी जेल में रहा तो कम से कम गुलाम सिचुएशन में रहा था, आप तो आज़ाद देश में जेल में रहे, तो देख ये तो पॉलिसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, कांग्रेस की। लेकिन इतने साल आप जेल में रहे, बिटरनेस नहीं हुई? नहीं, नहीं कोई बिटरनेस नहीं, आई हैव डन माय ड्यूटी, मैं किसी मेरा किसी पर एहसान नहीं, जो पार्ट देश के लिए, ये नहीं कि सिर्फ हम पंजाब के लिए या सिखों के लिए किया है, देश के लिए अगर एमरजेंसी के बाद सबसे किसी पार्टी ने लड़ाई लड़ी है तो श्रोमणी अकाली दल ने लड़ी, हमने पहले दिन से गिरफ्तारी देनी शुरू की, जब तक ये एमरजेंसी खत्म ना हो गिरफ्तारी देते रहे, कोई पार्टी बड़ी से बड़ी ने
गिरफ्तारी दे के नहीं, लोगों को गिरफ्तार गवर्नमेंट ने किया, हमने गिरफ्तारी खुद दी है। हालांकि जब हमने शुरू हुई थी इमरजेंसी तो इंदिरा गांधी जी का मैसेज आया कि हम पंजाब में आप हमेशा राज करो लेकिन इमरजेंसी के खिलाफ आप ना खड़े हो, तो हमने कहा कि ये तो हमारी सूल की बात है, तो हमें तो सारी लड़ाई जो है जबर जुल्म बेइंसाफी के खिलाफ हुई है गुरुओं साहबान की, तो हम तो उस उसूल पे चलते हैं। तो जयप्रकाश नारायण जी का भी हमने बड़ा साथ दिया, तो ये तो हम तो भी। और जो बीजेपी के साथ आपकी जो पुरानी रिलेशनशिप है, ये भी लगता है कि इमरजेंसी के टाइम जब आप जेल में रहे तो स्ट्रांग हुई है, दोस्ती बनी है। हाँ, वो भी एक बहुत मौका था। और उसके बाद इमरजेंसी के बाद जब सरकार बनी तो मैं उस सरकार में कैबिनेट मंत्री भी था। जी हाँ, एग्रीकल्चर आपके पास? हाँ, एग्रीकल्चर। बहुत इतने महकमे थे कि अब 7 मिनिस्ट्री हैं उसकी। जी, तो आई एम ग्रेटफुल टू मुरारजी देसाई कि उन्होंने मुझे इतनी जिम्मेवारी दी। लेकिन आप मुझे थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताए, बीजेपी जो जब जनसंघ था उसके लीडर्स के साथ आपकी जब गुफ्तगू हुई, जेलों के अंदर बातचीत हुई, उससे जो हिंदू सिख का डिस्टेंस था या हिंदू सिख पॉलिटिक्स का डिस्टेंस था वो कम हुआ? बहुत कम हुआ जी, बहुत कम हुआ। और ये देखो, ये रिलेशन से वैसे हमने ये नहीं कि किसी पर्पस के लिए किया हो, एक तो नेचुरल था, लेकिन इसके साथ ये हुआ कि सिख जो बाहर हैं पंजाब से बाहर, वो भी सेफ महसूस करने लगे, उनको भी कॉन्फिडेंस हुआ कि देश की कोई एक बड़ी पार्टी तो हमारे साथ है। पहले तो कोई पार्टी को हमारे साथ होती नहीं थी, वो वर आइसोलेटेड, तो इससे ये एक मैं समझता हूं बहुत अच्छा हुआ। सिखों का कांग्रेस में डिस्ट्रस्ट क्यों, जो आप कहते हैं क्यों? क्योंकि शुरू से जब से देश आज़ाद हुआ है, इमीडिएटली आफ्टर दैट कांग्रेस ने हमारे साथ स्टेप मदरी ट्रीटमेंट कह लो या धोखा कह लो, तो आप देखें कि इसमें कोई बात नहीं, हम बहुत सारे वादे किए थे जवाहरलाल नेहरू जी ने भी सिखों के लिए, ये करेंगे वे करेंगे, तो सिर्फ याद कराने के लिए मास्टर तारा सिंह जी ने एक कॉन्फ्रेंस रखी दिल्ली में, तो कॉन्फ्रेंस में भी कोई ऐसा नहीं था कि कोई वायलेट करना था, सिंपली अपनी बात करनी थी डेमोक्रेसी में, तो उनको गिरफ्तार कर लिया। फिर जब पंजाबी लिंग्विस्टिक स्टेट बनी तो उस वक्त भी पंजाब के साथ बड़ा धोखा किया, और हमने तो मांगा नहीं था, ये तो सारे उन्होंने कहा था कि हम लिंग्विस्टिक बनाएंगे, राइट। सबसे ज़्यादा मजबूत केस था पंजाब का, तो उन्होंने वो नहीं माना, फिर एजिटेशन हुई, बड़ा आगे तक बात की, लंबी कहानी है। तो आखिर जब ये फैसला बनना है तो बनने के बाद भी हमारे साथ वितकरा हुआ, जो बाकी स्टेट्स के लिए कानून था या जो बाकी स्टेट के साथ, फिर भी धोखा बिट्रेल हुआ। हाँ, चंडीगढ़ हमें नहीं दिया क्योंकि वहाँ पहले पेरेंट स्टेट जो थी उनके पास कैपिटल रहा था, तो उन्होंने ये कैपिटल अपना यूनिट टेरिटरी बना दी, और भी बहुत सारे जो वादे। लेकिन डिस्ट्रस्ट तो था क्योंकि दिल्ली में जो, जैसे हम देखते हैं दिल्ली में फीलिंग ये थी कि अगर ज्यादा इनको दिया तो कहीं सेपरेटिज्म ना हो जाए, खालिस्तान, तो खालिस्तान की जो एक शेडो है वो हैंग करती रही है। देखिए जी, वो असल ये भी है कि श्रोमणी अकाली दल को समझने की कोशिश नहीं की जी, हम तो हमेशा ही नेशनलिस्ट और सबको साथ लेने के चलने के लिए लोग हैं, तो इन्होंने कांग्रेस ने यह भी किया कि जब कभी क्रिकुश स्टेज आया तो सो कॉल्ड मिलिटेंट्स के साथ दिया उन्होंने टू सप्रेस द अकाली दल, हमारे सामने खड़ा करने के लिए, ताकि जो मेन स्ट्रीम अकाली दल है, कोई कोई मिसाल दें इसकी, जब आप कितनी अब भी जहां भी अब भी है इस स्टेज में कि जो मान दल वगैरह है या जो कोई छोटे सिमरनजीत सिंह मान की जो पार्टी है, हाँ, ही नहीं वो तो कुछ भी नहीं, अब तो सारे खत्म हो गए, लेकिन ये कांग्रेस को ही वोट देते हैं, कांग्रेस इनकी मदद करती है। बट आई बिलीव उनको तो अभी बाई इलेक्शन में कोई 1000 वोट ही मिले, 1300 वोट मिले, वो तो गलती से मिल जाते हैं 1300 वोट, तब कोई खड़ा हो जाए। लेकिन ये बताएं कि एक जमाना था जब ये सिमरनजीत सिंह मान का और ये सेपरेटिस्ट का बहुत हवा था, खत्म हो गया? बिल्कुल खत्म। पंजाब के लोग, देखो ये मुझे तो सारा सिलसिले में आया हूँ क्योंकि पंजाब की ये फीलिंग हो गई थी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे साथ वितकरा करता है तो डिस्क्रिमिनेशन करता है, तो उसके लिए ये लोग जो आए कि अकाली दल से तो कुछ हो नहीं सका, हम आपको लेके देंगे सब चीज़, तो लोग इनके साथ फ्रेंकली हो गए, और हमारा तो इलेक्शन में किसी ने बसता भी नहीं, मतलब हमारे कुछ जीत नहीं सके, इनको बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, पहले तो वैसे ही सपोर्ट किया जी। फिर नेक्स्ट स्टेज आ गई जब उनका डर हो गया, खौफ हो गया,
और खौफ के साथ इवन गवर्नमेंट मशीनरी, सेक्रेटरिएट, जजेस, वो भी सारे डर गए। लेकिन जब थर्ड स्टेज आई तो लोगों को इससे नफरत होगी। बादल साहब, हम सब यहाँ पे थे जब वो खौफ था, तो दो ढाई साल वो खौफ रहा, हर कोई डरता था यहाँ। मैं कहूँगा कि कुछ ही लोग जो कैटेगरीज थी, एक तो मैं कहूँगा कि सीपीआई के लोग थे, ठीक है, जो खड़े रहे, काफ़ी कॉमरेड लोग खड़े रहे, कम्युनिस्ट खड़े रहे यहाँ पे। कुछ आपके जैसे लोग थे जो अकाली दल में रह के भी, सिख पॉलिटिक्स में रह के भी खड़े रहे, हालांकि हम जैसे कई बार सोचते थे कि अब ज़्यादा क्यों नहीं बोलते इसके खिलाफ, और कुछ मीडिया खड़ा रहा, ठीक है। लेकिन उस दो ढाई साल में आपको कभी ऐसा लगा कि पंजाब इससे उभरेगा नहीं? नहीं, हमें तो पक्का यकीन था कि ऐसी लाइन, एक दफ़ा तो लोग साथ होते हैं, अल्टीमेटली कम्युनलिज्म या ये फनेटिकिज्म, ये कोई पार्टी ये चल नहीं सकती। लेकिन जो पंजाब में हो रहा था उस वक्त, ये जो दूसरे सिक्खी के नाम में जो ग्रुप कर रहे थे, वो भी कम्युनलिज्म और फनेटिसिज्म था। बिल्कुल था। और आप देखें कि हमारे जब इलेक्शन हुआ, देखिए हमारे साथ कांग्रेस ने बहुत बेइंसाफ इलेक्शन लड़ा, हमने तो हमारे 24 एमएलए कैंडिडेट इन्होंने मार दिए, जो खड़े थे टेररिस्ट ने मार दिए। तो अखीर वाले दिन इलेक्शन पोस्टपोन कर दिया कि अकाली दल की सरकार बन जाएगी, तो इस छोटा सा बात में लेकर इलेक्शन ही पोस्टपोन कर दिया। इतना भारी नुकसान हमारा पार्टी का हुआ कि जिस और देश का हुआ। और आप देखें कि हमारे लौंगोवाल साहब शिकार हुए, टौड़ा साहब पे हमला हुआ, किस्मत से बजे उनके साथ वाले दोनों मारे गए, तलवंडी साहब पर हुआ, 24 कैंडिडेट मर गए, नीचे से कितने वर्कर मर गए, श्रोमणी कमेटी के मर गए, मार दिए। तो ये वो फर्स्ट एनिमी उनके हामी थे, टेररिस्ट थे। हाँ, क्योंकि वो समझते ये हमारी और दरमियान दीवार हैं ये लोग जी। तो हम तो अपना रोल अदा करते रहे जो करना चाहिए था, जो सिख्स के इंटरेस्ट में भी था, हिंदुस्तान के भी इंटरेस्ट में था, पंजाब, क्योंकि आज भी आपके ऊपर थ्रेट लेवल बहुत हाई है। हाँ जी, हाँ जी। तो हमें उसका कोई फिक्र नहीं, जब जाना है तो हमें उसका कोई फिक्र नहीं है। बेशक हमें बहुत सिक्योरिटी वाले भी कहते रहते हैं, ऊपर से भी दिल्ली से भी चिट्ठियाँ आती रहती हैं, अभी ऐसे करो, पर हम तो अपना काम जारी रखते हैं उसका। लेकिन बादल साहब, वो जो वक्त था दो ढाई साल का, वो तीन फेजेस के ऊपर मैं आऊँगा, तो दो ढाई साल का जो फेज़ आप बात करें, सब लोग डर गए थे, जब आप कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, जजेस सब डर गए थे, क्योंकि ऐसे बेल हो जाया करती थी, केसेस नहीं पहुँचते थे, उसकी वजह से पुलिस को एक्सक्यूज़ मिल गई, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग थी कि कोर्ट में तो कुछ मिलेगा नहीं, यही कर लो जो भी करना है, देख सिस्टम ख़त्म हो गया था। उस वक्त में कभी आप डरे? नहीं, मैं तो कभी नहीं डरे, बिल्कुल नहीं। अब हमारे ऐसे था, जब इलेक्शन लड़ते थे तो शुरू हो गया आई हैव टू लीड द इलेक्शन, तो मुझे ऑफिसर्स भी कहते थे कि अब जाने का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन मैं अखीर तक ये होते हुए कि जैसे लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके साथी मर रहे हैं लड़ाई में, शहीद हो रहे हैं, तो फिर भी अखीर दम तक, क्योंकि तो आपके तो इतने साथी चले गए, बहुत चले गए, वो सब गोली को और AK-47 को गए। हाँ जी, वही है ना जी, कि इतने साथी चले गए तो फिर भी हम अखीर तक लगे, क्योंकि जब टेररिस्ट मूवमेंट होता है तो उनका सबसे बड़ा दुश्मन जो उनकी सपोर्ट बेस की पॉलिटिकल क्लास होती है वो होती है ना, कश्मीर में भी आप देख लें तो जो मिडिल ग्राउंड लीडर होता है उसको मारते हैं वो। देखिए जी, ये तो हमारा तो बहुत नुकसान हुआ, और उस वक्त देखो हमारे को तो ये कहते हैं कांग्रेस जरूरत नहीं कर सकी कि लड़ाई लड़े, वो बाईकॉट कर गए जी, हम ही लड़े तो उस वक्त इलेक्शन कांग्रेस बाईकॉट कर गई, हमारा तो फिर आप देख लेंगे कौन लॉयल्टी टुवर्ड्स द कंट्री टू द पीपल है, और हमें कहते रहिए सेपरेटिस्ट। तो आपको डिड यू फील बैड व्हेन योर लॉयल्टीज वर सस्पेक्टेड? बट नेचुरली बहुत दुख होता था, लेकिन हम अपनी लाइन पर चलते रहे, और मैं समझता हूँ कि हर आदमी को अपनी लाइन पर चलते रहना चाहिए। रुकावटें आती हैं, बहुत ऐसे मौके आते हैं, लेकिन लाइन से चलो तो फिर ठीक रहता है, चाहे 17 साल जेल जाना पड़े कोई बात नहीं क्या और चाहे कि गोली का खतरा रहे, खुश रहे, आप चलते रहो तो ठीक रहता है। हम यही कहते हैं कि हमारा जो कई कहते हैं जी आप चौथी दफ़ा चीफ मिनिस्टर बन गए, इसका राज क्या है? तो मैंने कहा ये राज नहीं है कि मैं कोई, मेरे से काबिल कोई नहीं है, या यूनिवर्सिटी या कितने प्रोफेसर काबिल हैं, हाई कोर्ट के जजेज हैं और है, लेकिन एक पॉलिटिक्स में हमारा ये लाइन है कि अपनी लाइन नहीं छोड़नी।
लेकिन बादल साहब आपने तो पॉलिटिक्स बिल्कुल लो लेवल से सीखी है ना, आप तो सरपंच से शुरू हुए। एंड यू वर द यंगेस्ट एमएलए इन इंडिया, अबाउट 21 साल के होते होते आप बन गए थे, एज लिमिट थी जी। और तब यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर आप जब बने पहली बार, तो यू हैव सीन पॉलिटिक्स बड़ी नीचे से, बारीकी से सब कुछ देखा जो हिंदुस्तान में हुआ, पंजाब में हुआ। तो क्योंकि इतनी देर हो गई, 47 के बाद हम ग्रेजुएशन हुई 47 लाहौर से, तो सीधे आप गाँव के सरपंच बने, वहाँ से ही चले हैं। तो बादल साहब वो जो 2.5 साल की बात करें, व्हेन थिंग्स वर रियली बैड, व्हेन टेररिस्ट वर रूलिंग पंजाब, एंड देयर वाज सम पॉपुलर सपोर्ट आल्सो उस टाइम, बड़ी सपोर्ट थी जी, बड़ी सपोर्ट थी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी, बहुत ज़्यादा, ये भी मैं कहूँगा। और सपोर्ट क्यों हुई? ये हुई कि वो भी ये कांग्रेस की गलती से हुआ कि इंसाफ कांग्रेस पंजाब को नहीं दी, तो उनको लोगों को कहा शायद ये इंसाफ दिला दें AK-47 से। हाँ, मेरा मतलब, और लोग थोड़े दिन बेवकूफ़ बन गए थे, बस जो समझो आप वो उसका प्रचार हो गया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता काम हो गया। और फिर आप कहते हैं कि लोगों को उससे नफरत हो गई टेररिज्म, बाद में फिर जैसे ना लोगों ने कहा ये नहीं ठीक। वो तो कैसे हुई, मतलब ये एक इसके ऊपर PhD करी जा सकती है कि पंजाब के लोगों ने अपने आप को कैसे उससे अलग किया? पहले तो था ना जी कि कोई, फिर वो बताने लग गए कि वहाँ कोई मिलिटेंट आया, वहाँ कोई मिलिटेंट आया, इस तरह की बातें शुरू। हाँ, वो क्यों हुआ, ये चेंज क्यों हुआ? फिर वो समझ गए कि ये हमें कुछ इससे फायदा नहीं होगा। और अब मैं कहता हूँ कोई 91% भी, 1% तो बहुत ज़्यादा है, 0.00 भी लगाई जाए। अब ये रिजल्ट देखें कि जो अपने आप को मान साहब चैम्पियन कहते हैं और कांग्रेस के साथ पक्का उनका रिश्ता है, तो वो उनको एक कैंडिडेट को अमृतसर में 1300 वोट मिले, आप देखें। और ये कांग्रेस की ये पॉलिसी रही है कि मेन जो अकाली दल है इसके बराबर में को अकाली दल ज़रूर उन्होंने खड़ा करना है ताकि ये कमज़ोर हो। और यही मैं कहता हूँ कि उनकी गलती थी अकाली दल को कमज़ोर करने। बल साहब, वाज द कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल फॉर भिंडरांवाले फिनोमेनन आल्सो? जो कुछ हुआ जी, कांग्रेस अगर प्रॉपरली हैंडल करती तो सब चीज़ हैंडल हो सकता। उन्होंने सिर्फ हमारे अकाली, वो एनिमी नंबर अपने को पंजाब पॉलिटिक्स में ये है जी कि पंजाब पॉलिटिक्स में उनकी एक थ्योरी है कि हिंदू और सिख में नफरत पैदा हो जाए ताकि इन ब्लॉक हिंदू हम वोट देते हैं, सिख में ये फ्रिक्शन पैदा करें। ये पंजाब के लिए उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी शुरू से रही है और इससे ही पंजाब का उन्होंने नुकसान किया। अगर ये ना होती तो सारा हमने ये रहा कि पंजाब में हिंदू सिख बिल्कुल भाई भाई जैसा रिश्ता होना चाहिए। ये नहीं कि उससे कोई पॉलिटिकल गेन होता है, लेकिन एटमोसफियर बड़ा अच्छा बनता है। तो वो तो उसका तो आपने जवाब दे दिया, आप इतनी अकाली BJP का अलायंस करके अगर हिंदू पार्टी और सिख पार्टी साथ चलती है तो फिर तो नहीं, अब तो ऐसा होगा ना जी, हमारा ये भी है कि हमारे साथ, हमारा साथ हिंदू भी बहुत दे रहे हैं, हमारा साथ क्रिश्चियन भी दे रहे हैं। इस बार तो आपने हिंदू कैंडिडेट्स को, हाँ जी, मेरा मतलब वो ये कोई ऐसी बात नहीं है। और BJP के साथ सिख भी वोट दे रहा है, वो कम्बिनेशन ही ऐसा है। और आप हैरान होंगे कि सबसे ज़्यादा जो हम सीटें जीती हैं पिछले इलेक्शन में, तो शहरों की सारी जीतती हैं, बड़े बड़े शहरों जी, लुधियाने की सारी सीट हम जीते जहाँ पे हिंदू ज़्यादा हैं, ज़्यादा मतलब सिख भी हैं, मतलब 4 सीट जो हैं, एक अकाली दल जीता, 3 वहाँ। जलंधर में भी सारी हमने जीती हैं, अमृतसर में भी सारी BJP अकाली दल लाइन से जीती, 1 हारे हैं वहाँ जलंधर। ये तो हमारा बदकिस्मत, लेकिन हाँ बताएं, नहीं जी मालवा बेल्ट जीती थी, हाँ, ये जो सबसे स्ट्रांग वोट थी, वो कारण हुआ खास उससे, हमें ये सच्चा सौदा समझ लो आप, वही मैं तो, हम तो ये बहुत कहते भी नहीं है, लेकिन वो फैक्टर हो गया, नहीं तो इनका नामो निशान ही मिट जाता। बादल साहब, लेकिन फिर भी एक वक्त था टेररिज्म के टाइम में जब आपके और BJP में टेंशन थी बीच में, वो हो जाता जी फिर कवर अप, समझदार पार्टियां जो हों या लोग हों तो आपस में बैठ के। BJP में कौन से ऐसे थोड़ी बहुत हो, नफरत नहीं थी लेकिन डिसअपॉइंटमेंट थी BJP में। BJP के लीडर तब कहते थे कि बादल साहब, लौंगोवाल साहब खड़े होकर बोलते क्यों नहीं है, कम बोल रहे हैं। थोड़ा बहुत हो सकता था, लेकिन दिल से सब एक दूसरे मिलते थे, प्यार था, जानते थे रिश्ता जो है वो कॉन्टेक्ट होना चाहिए। अगर जड़ ठीक हो तो दरख्त फिर फूलता फूलता है। बादल साहब, आप कभी सोचते हैं कि वो जो वक्त था 82, 83, 84, 85 और उसके बाद फिर एक पीरियड आया था जब बहुत टेररिज्म बढ़ गया था, कि आप जैसे जो बड़े लीडर थे, बड़े नेता थे, आपको ज्यादा बोलना चाहिए था टेररिज्म के खिलाफ जितना आप बोले उससे?
देखो जी, जिस तरह का उस तरह का माहौल था, उस तरह से सारी हम ड्यूटी देते रहे हैं। तो वो जो, और उसके बाद जो जिस तरह टर्न हुआ, उसमें श्रोमणी अकाली दल का बहुत बड़ा हाथ है, उनकी वर्किंग में, उनके तरीके में, सब चीज़। और पंजाब के लोग जिस तरह से डिसिल्यूशन हुए टेररिज्म के साथ, इमीडिएटली उन्होंने ऐसे रिमूव किया उसको, नुकसान बहुत हो गया ना जी। हाँ जी, हमारा पंजाब का बहुत पीछे हम चले गए, इकोनॉमिकली भी इतने लोग मारे गए, हर चीज़ पीछे रह गई, तो इसका बड़ा वो समझ में, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। प्राप्ति कोई हुई नहीं, ऐसे नहीं थी, कोई रिजल्ट तक कोई नहीं निकला, तो नेगेटिव नेगेटिव सारा। कॉमन पीपल अंडरस्टैंड दिस, बिल्कुल हर आदमी जानता है। बिकॉज़ टुडे इन पंजाब नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट टेररिज्म, नहीं आज नहीं, यू नो पीपल डोंट इवन वांट टू रिमेंबर इट, इट इज लाइक ए बैड ड्रीम। नहीं आपको डेमोक्रेसी इज ए ग्रेट हीलर, बहुत बड़ा जी, थैंक यू जी। अगर ये डेमोक्रेसी नहीं होती तो क्या पता टेररिस्ट पर क्या होता, क्या होता, क्योंकि उसका जहर तो डेमोक्रेसी से काटा है ना। हाँ जी, लोग समझ जाते हैं जी, ये नहीं कि इलेक्शन की बात है, लोगों का अपना माइंड होता है। नहीं, लेकिन लोगों के पास एक लोकतंत्र का तरीका भी होना चाहिए ना बोलने वाला। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि वो पुलिस के थ्रू तो नहीं बोल सकते। ठीक है, कि AK-47 versus AK-47, नहीं वो तो तरीका गलत है, कि सिर्फ पंजाब पुलिस ने तो ख़त्म नहीं किया ना टेररिज्म। देखो जी, पुलिस भी तभी इफेक्टिव हो सकी जब लोगों ने उनका साथ दिया। पुलिस तो हर वक्त होती है, लेकिन अकेली पुलिस क्या कर सकती है। जम्मू कश्मीर में भी जो है वो टेररिज्म पहले बहुत था, तो अब भी जो है पब्लिक सपोर्ट की वजह से है जी, उनको छुपने के लिए जगह मिल जाती है, उनको रहने के लिए जगह मिलती है, कोई बताता नहीं। ये नहीं तो देखिए, उनके तो थोड़ा और भी हालात हैं, कुछ जंगल वगैरह भी हैं, यहाँ तो कोई, ये तो लोगों के पास ही रहना पड़ता है। यहाँ पर जिस टाइम लोगों ने अपना माइंड चेंज किया तो सब चेंज फिर फिर बाल सब आपके जितनी बार जेल में गए, कभी कोई क्रिमिनल केस तो आपके ऊपर था नहीं? एक दफा भी नहीं, एक दफा भी नहीं था। आपको तो सरकार ने मेहमान बना के रखा। हाँ जी, लेकिन ये जो ब्लू स्टार मेहमान नहीं बनाया जी। बिल्कुल उनको था कि डिमोरलाइज किया जाए, और छोटे छोटे सेल्स में रखते थे। मेहमान तो होता ना अच्छी तरह, चलो जेल में भी रखना है, किसी अच्छी जगह अच्छा प्रबंध हो, लेकिन वो नहीं। लेकिन मेरे ख्याल जो टफेस्ट था वो ब्लू स्टार के बाद था, जब आपको पचमढ़ी में रखा गया, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। सारी जगह ही ऐसा था जी, जब बाहर देखो कहाँ कम्बटूर, कहाँ पचमढ़ी, कहाँ देहरादून के जंगल, तो मुझे वहाँ पचमढ़ी, वहाँ रखा गया जब जबलपुर में, तो पहले वहाँ गवर्नर रूल था जी, तो उस करके वहाँ रखा ताकि गवर्नमेंट, फिर वहाँ नहीं कोम्बटूर में, फिर आ गई करुणानिधि जी की गवर्नमेंट, जब उन्होंने देखा कि गवर्नमेंट बदल गई, फिर वहाँ से मुझे चेंज करके देहरादून ले आए, वहाँ एक जंगल में रखा, फॉरेस्ट में, ताकि कोई ऐसे होता था कोई मिलने ना जा सके। और हमारे ऊपर हजार हजार पुलिस का आदमी, सब जैसे यहाँ रहता हूँ, घिरे हुए थे। और मैंने कहा भी हमने कहाँ जाना है, मुझे तो एक पुलिस के आदमी ने, आप यह कहो यहाँ बैठे रहो, बैठे रहेंगे, हमारा कौन सा कोई ऐसी बात है। लेकिन अब पचमढ़ी में बिल्कुल सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, कोई नहीं था, नहीं था। सिर्फ मेरे ख्याल आपको जानवर जुनवर बस वो सामने, वैसे पचमढ़ी सारे हिंदुस्तान में बढ़िया जगह है जी, लेकिन वहाँ कोई सॉलिटरी था, कोई आदमी जंगले से हम देखते थे कि वो आदमी फिर रहा है, वो आदमी फिर रहा है, लेकिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। आपने, मैंने सुना है कुछ जानवर पाले हुए थे, वो तो हो जाता है जी, टाइम वहाँ पास करना होता है ना जी। आप यू आर एन एनिमल लवर, बहुत ज़्यादा जी, दरख्तों का भी मुझे शौक है। जितनी मैं जेल में रहा हूँ, जबलपुर जफलां, उसमें इतने बढ़िया दरख्त, जब किसी से मंगवाता तो बीज फूलों के, जब दरख्त मंगवाता था तो वहाँ लगाता, और जेल वाले भी जब मैं वहाँ से चला जाता था तो उस चीज़ को दे अप्रिशिएटेड। जबलपुर में मैंने सुना है आपने पचमढ़ी में शायद बिल्ली पाली हुई थी। हाँ जी, हाँ जी, बस थोड़ा सा ऐसा ना दिल लगा रहता था, सारा दिन क्या करे आदमी, अखबार वगैरह भी नहीं मिलते थे, कोई रेडियो नहीं होता था, टेलीविजन तो क्या हो रहा है। उसके बारे में बताएं जरा, आपके साथी जो वहाँ पे थी कौन जी पचमढ़ी में? नहीं, पचमढ़ी में तो हमारे कोई खास नहीं था, तो एक छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे पाले हुए थे, तो वो बड़े हो गए, बड़े हो के बाद प्रेग्नेंट हो गए काफी, क्योंकि लंबा समय मैंने बिल्ली का करैक्टर बड़ा नज़दीक से देखा है, कि जो मेल बच्चा होता है ना बिल्ली का, मेल उसको वहाँ को मेल जो होता है ना वो उसको मारना चाहता है जी। मतलब जैसे वो दुश्मन होता है, बहुत बड़ा छुप छुप के वो बच्चा, कोई किस्मत वाला बच्चा ही आगे बढ़ता है मेल। तो जबलपुर में भी हमारे पास थे बिल्लियाँ, तो वो हमारे साथ ही घुस जाती कभी, तो फिर भी
जो मेल था उसको दूसरा बिल्ला मार ही गया कितनी एहतियात के बाद। जानवरों का अलग अलग करेक्टर है जी। तो आपका आई बिलीव आप मजाक करते थे कि इसके जब बच्चे होंगे तब मेरे रिलीज करेंगे। चलो जी, वो टाइम था, चलता रहा जैसा भी टाइम था। लेकिन आप किसी को मिलने को भी तैयार नहीं थे, जैसे आरडी प्रधान साहब ने किताब में लिखा हुआ है कि वो मिलने गए, होम सेक्रेटरी थे उस टाइम, आपने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, छतरी लगा ली। पहले भी गए, मैंने कहा भी ये फायदा कोई है नहीं, आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, यू कांट विन ओवर अस। ऐसे बगैर किसी मसले हल किए तो ये हमको ऐसे नहीं कह सकते कि आप लालच दे दें कि आग ये कर देंगे वह कर देंगे। ये तब होगा जब हमें इकट्ठा करेंगे आप हमारे सब इंडिविजुअली, आप किसी से बात करें को फायदा नहीं है। पर आप मिलने को तैयार नहीं? ना जी, ना फायदा नहीं था। मैं दरवाजा बंद कर दिया, मैं कहा आप बेशक इसको तोड़ दो लेकिन मैं कोई बात ही नहीं। बादल साहब, जब वो डिफिकल्ट साल थे 83-84 के, तो संत भिंडरा वाले से आपकी जो बातचीत हुई, कभी आपने कोशिश की उनको समझाने की कि रास्ता ठीक नहीं है? नहीं, हमने क्यों, देखो फ्रेंकली वो हमारे साथ कोई इतना उनका बहुत बढ़िया रिलेशन भी नहीं थे, पार्टी के साथ भी ऐसा ऐसा थोड़ा, लोंगोवाल जी थे प्रधान हमारे जी, जी। तो मेरा काम भी नहीं था प्रधान जी के बगैर को बात को, लोंगोवाल साहब प्रेजिडेंट थे। बट सी, आप यू वर द मोस्ट रिकग्नाइज्ड फेस इन ऑल ऑफ इंडिया, तो कई लोगों की हमारी शिकायत थी कि आपने अपनी मॉरल अथॉरिटी उस टाइम एसर्ट करनी थी। मेरी समझो ना कि जो लीडर थे, असल जो लीडर होता है पार्टी का, उसका ही जो बात है वही करनी होती है। और ये जो फैसला हुआ, इसमें जो बड़ा धोखा हुआ, तो मैं समझता हूँ इसके लिए ही जो संत लौंगोवाल शहीद हो गए, तो वो जो उन्होंने फैसला कर लिया और बाद में मिला कुछ नहीं, वो भी एक रीज़न था। नहीं, वो तो बाद में हुआ ना। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन डिड यू गेट द फीलिंग कि देयर इज नो पॉइंट टॉकिंग टू संत भिंडरा वाले? मेरा कोई, मैं कभी उनसे ज़्यादा नहीं मिला, बिल्कुल ही। तो वो क्योंकि लौंगोवाल थे, हम इस तरह करते हैं, डिसिप्लिन वाली पार्टी है, जो प्रेसिडेंट करे, जब कोई मीटिंग हो तो रह ले 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 ले, नहीं तो जो। सो व्हेन वाज द टाइम व्हेन यू फेल्ट मोर वरीड अबाउट पंजाब एंड इंडिया इन दैट फेज? देखो, जब इतना पंजाब की बुरी हालत हो गई तो कुदरती है कि फिक्र तो होता ही है। कभी आपको लगा था कि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, जब आपके सारे कैंडिडेट हार गए, जब जो प्रो सेपरेटिस्ट पार्टीज जीत गई यहाँ पे? देखो जी, वो ऐसा ही होता है कि ये पॉलिटिक्स में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, हर एक आदमी पर आते हैं, हर एक पार्टी पर आते हैं। तो आपको तब आपको ये नहीं लगा कि पंजाब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है अभी? नहीं जी, हमें पता था कि अल्टीमेटली जो है तो वो लोग हर पीस चाहता है, अमन शांति चाहता है। क्योंकि देखें, हमारे जैसे लोग जिनको ऐसा कोई तजुर्बा नहीं है, ना आपके जितनी अकल और इंटेलेक्ट है पॉलिटिक्स में, जब 84 में राइट्स हुए, सिखों की किलिंग्स हुई, हमने वो कवर किए एज रिपोर्टर्स, तब हमको ये लगता था कि अब ये कैसे ठीक होगा, कभी ठीक नहीं कोई कोई इसको कैसे माफ। आप समझें, अब देखें कि लोगों की मेमोरी कितनी है जी, कि इससे बड़ा 84 जो अपने हरमंदर साहब पर फौज का हमला था, हाँ जी, और 84 में जो मैसेकर हुआ, दंगे नहीं हम कहते, मैसेज वन साइडेड ही था, कांग्रेस ने कराया था। हाँ जी। उसके बाद भी अब कई सिख भी हैं जो वो भी कांग्रेस के साथ, और फिर भी आप ये इंटरव्यू शुरू में कह रहे हैं कि और सिखों को जगह फौज में दें। हाँ जी। और हम फौज के मेमोरियल में ही चल रहे हैं। हाँ जी, मेरा मतलब ये है ना, कोई बिटरनेस नहीं हो, कोई थोड़ा बहुत कितना ही बड़ा काम हो, हम अपने बुजुर्गों की डेथ होती है बड़ा 10-15 दिन ऐसा ऐसा फिर भूल जाते हैं। लेकिन आपको उस टाइम कभी लगा कि अब ये, जैसे लौंगोवाल साहब ने एक बात कही थी उस टाइम, मैं उनको उदयपुर मिलने गया था ये समझौते के आसपास, उन्होंने कहा कि सिखों और दिल्ली के संबंधों में हजारों सिखों की लाशें पेड़ों पर लटकी हुई है? नहीं, वो तो उस वक्त ऐसे लगता था ना, देखिए जाति कोई नफा नुकसान कोई थोड़ा बहुत हो जाए कोई बात नहीं। हाँ जी। लेकिन ये हरमंदर साहब पर हमला और 84 जो किलिंग्स हैं, वो तो ऐसा था ना कि वो राइट्स नहीं थे जी, किलिंग्स थी। वो रोक और कह दंगे, मैंने कहा ये वन साइडेड था, और ये किसी को भूला नहीं कि प्लान तरीके से कांग्रेस ने करा था। और उस वक्त उन्होंने कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, तो अगर ये ठीक था तो रोकना चाहिए था उन्हें। लेकिन फिर भी पीपल ऑफ पंजाब एंड सिक्स हैव पुट इट बिहाइंड देम। हाँ जी, वो चैप्टर खत्म। आप
नहीं देखो, यादाश्त तो लोगों को कुछ को रहती है, ऐसे ऐसे नई जनरेशन आ जाती है, उनको पता नहीं, जैसे जर्मनी की हिस्ट्री है जो हो रहा है, अब वो जर्मनी वगैरह इकट्ठे हो, मेरा मतलब जो नई जनरेशन ऐसा ऐसा भूल जाते हैं लोग, ये जिनको याद है वो तो याद तो रखते हैं ना। ये बादल साहब उस फेज में डिड योर इंडियन कमिटमेंट एवर शेक कि व्हाई आर वी इन दिस कंट्री? नहीं, ये तो मुझे था कि आज भी है कि पंजाब को पूरा इंसाफ नहीं मिल रहा। हालांकि इस दफ़े भी आप देखें कि जितना अनाज आपको, सबसे बड़ी आज जो हिंदुस्तान को है फूड प्रॉब्लम है, इस दफ़ा हमने वो वरी उनकी उतार दी जी, रिकॉर्ड उनको प्रोक्योरमेंट करके दिया, लेकिन एग्रीकल्चर को फिर हमारे कुछ नहीं देते, और वो कहते हैं हम उनको देंगे जिनके प्रोडक्शन कम है, टू रेज देयर प्रोडक्शन, सड़कों के लिए उनको देंगे जिनके सड़क नहीं बने, हमने अगर बना ली तो गुनाह किया, बिजली उसको देंगे जिनका सारा विलेज अभी बिजली के साथ कनेक्शन नहीं हुआ, तो मतलब फार्मूले ऐसे बनते हैं जिससे पंजाब को कुछ अपना शेयर नहीं। तो उस टाइम में आपको कभी ऐसे लगा कि गलती हो गई, और ये कभी डाउट हुआ कि डिड वी डू द राइट थिंग? किसका जी? जब ये राइट्स हो रहे थे, ऑपरेशन ब्लू स्टार 84 का टाइम था ना सबसे, गलती तो कांग्रेस कर रही थी, हम तो नहीं। नहीं, आपको कभी लगा कि ये सिखों के एज सिक्स वी मेड ए मिस्टेक और वी हैव टू थिंक ऑफ समथिंग एल्स? नहीं, सिखों ने तो नहीं ना किया। तो यू यू नहीं, मेरा मतलब है कोई आपकी नेशनल कमिटमेंट कभी वेवर नहीं करी? नहीं, हम तो जब कभी है, चाहे जेल में थे, चाहे कोई नहीं, वो कोई कुछ नहीं, कभी नहीं हुआ ना। लेकिन लेकिन हमें ये दुख रहा है कि जो रोल कांग्रेस कर रहा गवर्नमेंट्स का, वो अच्छा नहीं था। लेकिन उसने पंजाब को अपनाया नहीं है, जैसे उतना किसी को अपनाना जी वो नहीं किया, हालांकि हम रोल हमारा पहले भी और आज भी सबसे ज़्यादा, आप यहाँ देख लें शहीदों में कितनी लिस्ट में कितने लोग पंजाबी, लेकिन उसका कोई उन्होंने। लेकिन बादल साहब, उसका एक वजह और हो सकती है कि इंडिया में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सबसे एंटी कांग्रेस अकाली दल ही है नेचुरली, क्योंकि दूसरे ये सोचते हैं ना जी, वो तो समझते हैं लेन देन। आप तो राजीव गांधी से कभी मिले नहीं जब आप प्राइम मिनिस्टर था ना, आप सोनिया जी से कभी आपकी बातचीत नहीं हुई ना, इंदिरा जी से भी बहुत कम थी। वो एज प्राइम मिनिस्टर एक दो दफा, जब मैं चीफ मिनिस्टर था एज प्राइम मिनिस्टर एक दो दफा, क्योंकि उस वक्त जो एंटी कांग्रेस फ्रंट बनते थे सबसे बड़ा तो यही बना था, इसमें आप जनसंघ भी आपके साथ थी और CPM भी आपके साथ थी। हम तो जो भी लोग कांग्रेस के खिलाफ थे उनके साथ हमेशा एडजस्टमेंट करने की कोशिश करते, और यू डोंट सी दैट चेंजिंग, कांग्रेस में भी एन एडवर्सरी है नेचुरली। हम अकाली पार्टी कभी कांग्रेस से मिल ही नहीं सकते, मतलब ये एक अडवाणी जी एक बात कहते हैं, वो कहते हैं राजनीति में आप अपोजिशन पार्टी को एडवर्सरी माने लेकिन एनिमी नहीं माने। नहीं, वो रोल होता है ना अलग अलग पार्टी का, उनका तो आप कांग्रेस को एनिमी मानते हैं कि एडवर्सरी मानते हैं, दुश्मन मानते हैं या राइवल पार्टी मानते हैं? ये नहीं समझता कि ऐसी पार्टी है जिसने पंजाब के साथ बहुत धक्का दिया, तो उसको कोई लफ्ज़ दे ले एनिमी, हमने कौन सा उनसे कोई बदले लेने हैं हम, इसलिए कि मतलब वो इंसाफ दे नहीं रहे पॉलिसी प्रोग्राम। आज मैंने कहा, कल मैं शरद पवार से कहा कि मैं शरद जी, वैसे ही वेरी नाइस मैन, मेरे बड़े दोस्त हैं, तो मैंने कहा, मैं कई दिन का ढूंढ रहा था, इस दफ़ा हमने रिकॉर्ड रख लिया, जब किसी ने गोल्ड मेडल लेना हो लिया हो तो उसको अप्रिसिएशन के लिए गोल्ड मेडल तो को दें। मैंने कहा मैं एग्रीकल्चर के लिए 100 करोड़ रुपये यूनिवर्सिटी को दे दें जी। तो एग्रीकल्चर यहाँ जो इतना है लोगों के दिमाग में, दिल में, खून में एग्रीकल्चर है, तो उनकी बढ़ोतरी के लिए और देश के लिए, अगर पंजाब ना हो तो भूखे मर जाएं, तो इनको कोई इनक्रेज भी करें। अब उनसे जाएंगे मिलेंगे और हमने तय कहा कि कम से कम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को दे दें। बादल साहब, एक बात बताएं कि ओवर द ईयर्स हैज अकाली पॉलिटिक्स बिकम लेस रिलीजियस? नहीं, रिलीजियस तो रिलीजन और है, पॉलिटिक्स और है। मैं सबसे ज़्यादा रिलीजियस हूँ, मैं सुबह और शाम पाठ करता हूँ, मतलब जो हर एक आदमी को रिलीजन में अपने में पक्का होना चाहिए, कोई हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, वो सेपरेट चीज़ है। बेशक हम धर्म और सियासत इकट्ठी है, उसका ये मतलब नहीं कि कम्युनलिज्म है। अगर धर्म जो कहता है, कोई धर्म किसी का स्टडी कर लें, किसी का बड़े जो आप हमारे ग्रंथ हैं, तो किसी ने सेपरेटिज्म का नारा नहीं लगाया, सब ने कहा वो लल्ला नूर पाया, कुदरत के सब बंदे,
इसलिए वो उसको उस लेकिन फिर भी पिछला इलेक्शन देखें तो आपके जो रिलीजियस लीडर्स थे बहुत कम को टिकट मिले, जिनको मिले वो हार गए, मॉडर्न लोग जीते हैं, तो एक चेंज हुई है पंजाब की। रिलीजियस यंग रिलीजियस जिनको जथेदार कहते हैं हम, नहीं वो भी जीते हैं जो हमारी पार्टी में जथेदार है, हमारे जथेदार प्रेसिडेंट को कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हमारा लफ्ज ये नहीं कि हमारे यंग भाई जथेदार नहीं, जथेदार एक इन मैनर ऑफ स्पीकिंग जो पुराने रिलीजियस लीडर्स थे आपके, एक जनरेशनल चेंज हुई है जी, वो रिलीजियस लीडर और थे। वैसे ये नहीं कि अकाली होकर रिलीजियस नहीं रह सकता, अकाली रिलीजियस का मतलब कि रिलीजन तो आपको प्यारी, आप हिंदू है तो आपको हिंदू एज ए हिंदू शुड बी, जिसको हम मानते हैं उसको मानना चाहिए, उसके डिसिप्लिन में रहना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं। सिख जो है सिख हो उस तरह रहना चाहिए। नहीं लेकिन मैं एक और बात पर आ रहा हूँ, जो आपके पार्टी में जो आपके क्रिटिक हैं वो कहते हैं कि पहले अकाली दल जो भी हो अंदर से बहुत डेमोक्रेटिक था, अब ये फैमिली पार्टी बनता जा रहा है। नहीं जी, ये फैमिली पार्टी नहीं है जी। देखो पार्टी में मैंने समझा कि जो मेहनत करेगा जी पार्टी में वही हक, या तो जो हमें कहते हैं उनका ऐसा हो कि वो नहीं कांग्रेस वाले, वो तो कोशिश यही है उनके कि सोनिया गांधी को पहले प्राइम मिनिस्टर बनाना था, अब कहते हैं उसके लड़के को बनाना है उसको, क्या ये लोग हमें नसीहत दे सकते हैं? हमारे तो ये है कि एक ये बात मैं ज़रूर कहूँगा, कई दफ़ा ये हरकत है कि जो पॉलिटिशियन है आपके बच्चे भी जर्नलिज्म में इंटरेस्ट रखेंगे, जो लाइन हो को एडवोकेट है नहीं, पर वो सीधे एडिटर नहीं बन जाएंगे ना, है नहीं? वो सीधे एडिटर नहीं बन जाएंगे, नहीं लीडर पार्टी है ना भाई, ऐसे ऐसे ही जाएंगे ना, कोई भी बन गया जैसे योर सन इज द मोस्ट पावरफुल मैन इन योर पार्टी, मेरा मतलब ये है ना कि वो पहले पार्लियामेंट के इलेक्शन लड़े, उसमें जीते, पब्लिक किया, फिर उन्होंने जब काम किया पिछली दफ़ा गवर्नमेंट बनाने में किया, तो उससे ऐसा ऐसा पार्टी जो काम करता है उसको आगे लगे। बादल साहब आप इस एज में आके और आप स्टार्टिंग सो यंग से आफ्टर अबाउट 58 इयर्स इन पब्लिक लाइफ, आर यू ए सेटिस्फाइड मैन? बिल्कुल विद द स्टेट ऑफ योर पार्टी, योर ओन पॉलिटिक्स एंड द कंट्री? देखो एक तो आदमी को होता है कि जिस पार्टी हो, देखो अल्टीमेटली ये होता है कि उसकी गवर्नमेंट बने, देखो अल्टीमेट तो बिल्कुल हाँ, नहीं तो क्यों है? तो हमने यह कि दो तीन दफ़ा गवर्नमेंट हमारी पंजाब में बनी है, पिछली गवर्नमेंट भी 5 साल चली, तो बाद में जो पिछली दफ़ा हमें सेटबैक हुआ वो थोड़ा सा ही हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ, थोड़ी वोट में फ़र्क में हमारी गवर्नमेंट अब फिर बन गई, तो अब भी लोगों ने हमें फर्क, कितना खुश होते हैं जब लोग साथ दें, तो पॉलिटिशियन का तो यह है कि अगर लोग साथ दें तो हौसला बुलंद होता है, अगर ना हो तो फिर थोड़ा सा बहुत फ़र्क पड़ता है। एंड आर यू सेटिस्फाइड विद द स्टेट ऑफ द नेशन एंड द स्टेट? नो, क्योंकि मैं इस हक में हूँ कि गरीब जो है, सबसे ज़्यादा जो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पुअर है उनके लिए फैसिलिटी, ताकि लोग ये ना हो कि यहाँ हो, यहाँ थोड़ा बहुत गैप तो होता ही है, मेहनत करना वाला लोग है नहीं, एंड फॉर दैट वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि हर किसी को एक्सेस हो, पावर हो, नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये इसका फायदा ये तो होना ही चाहिए, लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट है आज, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है उसके लिए कोई तरीका नहीं निकला, फिर जो दूसरा है कि गरीबी है, जो आम लोग हैं उनके लिए कोई हमने स्किल सेंटर्स खोल रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक देश ऐसा नहीं कि मेजर शेयर जरा है वो गरीब को इकोनॉमिक कंडीशन बेटर देने के लिए किया जाए, जब तक उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बेटर नहीं होगा तो हम कैसे कह सकते हैं देश तरक्की कर गया। कल्ला ये अकेला ये नहीं कि एयर सर्विस चल गई, पुल बन गए, सड़क है, मैं इसको बुरा नहीं मानता, लेकिन सबसे प्रायोरिटी जो है वो गरीब की है, गरीब को रोटी, गरीब को मकान, गरीब को पढ़ाई, जब इस पर ओवरवेलमिंग बजट जो इस पर खर्च। और बादल साहब अगर पंजाब को देखें और सिखों को देखें तो इस वक्त सारे देश में जिसको कहते हैं बल्ले बल्ले का माहौल है, पंजाब छाया हुआ है, सिख कल्चर छाई हुई है, तो दैट इज़ ए हैप्पी थिंग। नहीं बहुत अच्छा है जी, लेकिन जब अंदर से देखते हैं, बाहर से तो ये है, अंदर से गरीबी यहाँ बहुत है, दलित छोटा किसान हर किसान कर्जई है, कितना देश के लिए करता पर इसका कोई एहसान नहीं मानता। चलिए जब वो भी आप हैं यहाँ पे इतने सीनियर मोस्ट किसान नेता, नहीं मेरा मतलब ये है ना, कुछ उनके शील है, जो मेहनती लोग हैं उनको करना चाहिए, उनको महसूस हो, जब काम करने वाले को शाबाश ना देंगे तो फिर काम कितना करेगा, मायूस हो जाता है। मेरा ख्याल है गरीब को अब इस पर देना चाहिए कि 100% नेशन को क्वालिटी एजुकेशन देनी, 100% उनको
काम करने के लिए कुछ सेंटर्स, स्किल सेंटर्स, एंड यू विल बी फोकसिंग ऑन क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन के लिए हमने देखो पिछले 5 साल में एक टीचर भर्ती नहीं किया, हम 14,000 टीचर भर के हर स्कूल में टीचर तो पहुँचे। फिर 3-3 स्कूल लिए हमने 50-50 लाख रुपये उन पर खर्च किया कि उनकी बिल्डिंग्स फर्नीचर वगैरह जो हो, अगले साल फिर करेंगे ताकि एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर, रोड्स में हमारी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, लेकिन और इंप्रूव करने के लिए। बादल साहब, आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव ब्रॉट स्टेबिलिटी एंड मैच्योरिटी टू पंजाब्स पॉलिटिक्स, एंड यू नो आई थिंक द होल कंट्री लुक्स अप टू यू फॉर नॉट जस्ट योर इंटेलेक्ट बट ऑल्सो योर पेशेंस एंड योर पेट्रियोटिज्म। ये तो हमारा फर्ज है जी, सो वंडरफुल टॉकिंग विद यू। और मुझे पता है कि आप इंटरव्यू बहुत कभी कभी देते होंगे तो, लेकिन आई एम सो ग्रेटफुल आपने वक्त निकाला, आपको हजार काम और करने को। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।